नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज का टॉपिक पीसीओडी पर है। जिन भी फीमेल्स को पीसीओडी है, कैसे वो जल्दी प्रेगनेंसी अचीव करें। यस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पीसीओडी तो हम डायग्नोज कर लेते हैं, बट उसके बाद भी हमें नहीं पता होता कि हम अपनी एग क्वालिटी को पीसीओडी में कैसे अच्छा करें, या अपनी जो साइकिल है उसको कैसे ओवुलेटरी बनाएं जिससे कि हमें कंसेप्शन जल्दी हो। पीसीओडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते। पीसीओडी के साथ, बल्कि ओवरीज के साथ, या फिर आपको जो भी डोमिनेंट सिस्ट है, समटाइम्स वो क्या होती है, हाइपरस्टिमुलेट हो जाती है, टाइमली रप्चर नहीं होती, बट हम उसको टाइमली रप्चर करवा कर आयुर्वेद की मदद से हम आपको नेचुरल कंसीव करवा सकते हैं। पीसीओडी सबसे पहले जानते हैं होता क्यों है। या तो आपको लीन पीसीओडी होता है, या फिर ओबेस पीसीओडी होता है। या तो आपके फॉलिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे ग्रो होते हैं, वो टाइमली मैच्योर नहीं होते, या फिर वो हाइपरस्टिमुलेट, जरूरत से ज़्यादा साइज हो जाता है और वो फॉलिकुलर आपका रप्चर नहीं होता, जिससे ओवर रिलीज नहीं होता, और ओवर रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म किसको फ्यूज करेगा, देन आपको कंसीव नहीं होता। तो पीसीओडी में अगर आपको बल्की ओवरीज है और आपकी साइकिल ओवुलेटरी नहीं है, तो आप उसको ओवुलेटरी बना सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिन पे हम काम कर आपकी जो स्मॉल स्मॉल सिस्ट होती है उनको हम मैच्योर फॉलिकुलर में कन्वर्ट करते हैं और टाइमली रप्चर करते हैं। और टाइमली रप्चर होने के बाद सिर्फ रप्चर नहीं, उनमें से जो ओवा रिलीज होता है वो हेल्दी होता है, और जो एग होता है वो क्वालिटी ऑफ एग होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी फर्टिलाइज करता है और अच्छा इम्प्लांट करता है। सो पीसीओडी जैसे कंडीशन में ज्यादातर देखा जाता है 70% केसेस में कि ओबेस पीसीओडी होता है, यानी कि वेट गेन करने की वजह से होता है। तो अगर आपका साइकिल आपको 40 डेज में आ रहा है, या फिर मोर देन 35 डेज में आ रहा है, तो आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं। या फिर आपको सिंपल बल्कि ओवरीज भी आ रहा है तो भी आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं। आपको 1 मंथ में कम से कम 3 kg वेट रिड्यूस करना है। वो वेट कैसे रिड्यूस होगा, आपकी डाइट यानी कि आपके आहार को कंट्रोल कर, और फिर वो उस वेट के ऊपर आपको आपके वर्कआउट, सही एग्जैक्ट वर्कआउट से आप काम करेंगे, यानी कि आपका विहार, फिर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, आप किस टाइम पे सो रहे हैं, किस टाइम पे उठ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करके आप अपना क्वालिटी ऑफ एग को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम डाइट की बात करते हैं, तो पीसीओडी पेशेंट अगर हो सके तो गेहूँ और चावल, इन दोनों को आप अपनी डाइट से कट कीजिए। गेहूँ जो आयुर्वेद में कफ वर्धक होता है, और हमारा पीसीओडी का रीजन भी कफ की वजह से होता है, और वही चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो कि सिर्फ इंसुलिन जो हमारा होता है उसको डिस्टर्ब करता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है। तो आप उसकी जगह जो बारले है, बाजरा है, ज्वार है, जो है, इन सबको यूज़ करेंगे, या फिर बेसन लेंगे, या फिर आप चौलाई का आटा यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा है। वो ना सिर्फ आपकी बॉडी में से कफ दोष को एलिमिनेट करेगा, बल्कि डायूरेटिक भी होता है, यानी कि यूरिन के थ्रू सारी आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज करता है बॉडी से। सेकंड, पीसीओडी में क्या रहता है कि आपका वेट, तो इन चीज़ों के जब आप ये कफ दोष को बैलेंस करेंगे तो अपने आप आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। और ये जो मैंने आपको ज्वार, बाजरा और चौलाई बताया है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिससे कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा। सो आप 3 to 5 kg वेट 1 मंथ में रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, वाटर इंटेक, प्लेंटी ऑफ वाटर अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप लेंगे, सो डेफिनेटली आपका वेट कंट्रोल होगा। फिर आपके स्लीपिंग साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीपिंग साइकिल में एटलीस्ट आपको 8 to 9 hours का स्लीप लेना है, और मेक श्योर कि आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो 10:30 टू मॉर्निंग सनराइज तक आपके होने चाहिए, 6 o'clock तक एटलीस्ट आप उठ जाइए, तो उससे आपका वात दोष बैलेंस होता है। तो फीमेल्स की जो साइकिल होती है वो टाइम में रेगुलेट रहती है, मेंसुरल साइकिल, अगर आपका वात दोष इम्बैलेंस होता है, आप लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सो नो डाउट कि बॉडी में और पित्त का भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे आपकी साइकिल ना सिर्फ इरेगुलर होती है बल्कि पेनफुल भी होती है, हैवी क्लोट्स भी आते हैं, और भी बहुत सारे इशू जैसे कि ओवेरियन सिस्ट होना, एंडोमेट्रोसिस होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। थर्ड, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक टाइप का काढ़ा,
आपको जिंजर वाटर, सिनेमन, ब्लैक पेपर, आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी में बॉईल करना है, या फिर जिंजर वाटर को आप एक बार में बॉईल करके रख सकते हो अगर आप ऑफिस गोइंग है, देन जब आप उसको लें तब उसमें एक पिंच ब्लैक पेपर और एक पिंच दालचीनी डालकर आप उसको अच्छे से इसको स्ट्रेट कर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप पीसीओडी में कीजिए, और पीसीओडी में जब आप ये सब करेंगे, दालचीनी और ब्लैक पेपर और इसका काढ़ा लेंगे आप, अदरक का, जिंजर का, ये भी कफशामक होता है, प्लस में आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी होती है, एग क्वालिटी अच्छी होती है, एग टाइमली रिलीज होता है और आपकी साइकिल ओव्यूलेटरी बनती है। इन सारी चीज़ों को जब मैंने आपको बताया, आप अपना सेफ साइकिल ठीक कर लेंगे, आप अपना वेट कम कर लेंगे, अपना डाइट ठीक कर लेंगे, डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देंगे। सो आयुर्वेदिक मेडिसिंस, आयुर्वेदिक मेडिसिंस जो है उसमें आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको देखकर ही आपको स्टार्ट की जाती है कि कफस दोष है, आपको लीन पीसीओडी है या ओबिस पीसीओडी है, कोई और फार्मूला नहीं है जो सब पेशेंट्स पे चले। जब आप हमारे साथ आते हो, हमारे साथ में आप ओपीडी में कंसल्ट करते हैं, देन हम उसके बाद ही आपकी प्रकृति, आपकी टंग, आपको स्टूल कैसा पास हो रहा है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन चलाते हैं और आपके हारमोन्स को हम रेगुलेट करते हैं। कुछ पंचकर्मा में जैसे कि नस्यम हो गया जो कि आपके हाइपोथैलमस को सिक्रीट करेगा, या फिर बस्ती कर्म हो गया, अगर आप मैरिड हैं तो उत्तर बस्ती भी हम काफी पेशेंट में पीसीओडी में इंडिकेट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें कर अगर आपको पीसीओडी है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कंसीव नहीं होगा, टाइमली आप अपने पीसीओडी के लिए आयुर्वेदिक परामर्श बुक करवाइए और आपका पीसीओडी आयुर्वेद के जरिए बिल्कुल ठीक होकर आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।